हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत रहे, मैं भी खैरियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग खैरियत रहे, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है और सब खैरियत रहे। तो आज की रेसिपी है फूल गोभी और आलू की। तो चलने में कैसी तैयारी करते हैं, और जिस लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी करने के लिए अपने किचन ब्लॉग में। तो 500 ग्राम हमने गोभी ले ली है, ये ताज़ी फ्रेश है, मगर ये बोरी से रगड़ने से इसके ये खुटरे बन गए, तो इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और आप लोग तो आजकल देख रहे हैं फूल गोभी बहुत आ रही है और अपने अपने तरीके से बनाते हैं, आज हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग देखिए मेरी रेसिपी और मेरे चैनल पर बने रहिए। तो इसके लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम आलू। ये लिए हमने 250 ग्राम आलू, ये उबले हुए आलू हैं, क्योंकि सुबह बनाई थी हमने कचौड़ी तो आलू थोड़े पहले फालतू हो गए तो हमने निकाल लिए थे। और हमने ये चने में उबाले थे, थोड़ा थोड़ा चने का कलर चढ़ गया, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने ये चनों के साथ में आलू उबाले थे कचौड़ी के लिए, और चने हमें क्योंकि उसमें नाश्ता बनाना था तो फालतू हो गए तो हमने निकाल लिए। तो सोच रहे फूल आलू में ये हम डालेंगे, तो किस तरह से डालेंगे वो भी आप देख लेना, और आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं आलू। तो चल रहे अब सब्जी को हम पहले काट। तो फूल के ये जितने डड़के हैं इनको हम सारे तोड़े ले रहे हैं। ये मेरी बकरी के काम आ जाएगी, खा लेती है ये, तो इनको सारे हम डलकों को निकाल कर एक साइड में रखे दे रहे। कोई चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मैं बकरी पाले हूँ तो इसमें मेरे काम आ जाते हैं। तो इनको हम काटे ले रहे हैं, तो मैं कोई स्किप नहीं अभी कर रही हूँ, तो आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से हम सब्जी काटेंगे। तो हमने तड़के तोड़ लिए हैं, तो इस तरह से हम तड़के को तोड़ लिया है। अब इसको हम ये वाली जो ऊपर पर रगड़ लग गई है बोरी की, तो इस तरह से हम साफ कर ले रहे हैं। तो हमने इस तरह से इसको साफ कर लिया, जो पत्ते हरे रहे हैं वो भी हम निकाले दे रहे हैं, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। और बीच से हमने काटा है गहरा करके, ये देखो आधा आधा कर लिया। तो आधा आधा करने के बाद में इस तरह से है बड़ा बड़ा काटना है, इतना बड़ा बड़ा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सारे फूलों को हम इसी तरह से काट ले रहे हैं, चाहे आप इसको काट लें चाहे इसको अपने बकरी डाल दें, मगर इसका लड़का अंदर का हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम इसीलिए छीले ले रहे हैं। तो आप इसको फेंक भी सकते हैं, अगर आपके जानवर हों तो आप अपने जानवर को भी डाल सकते हैं। तो ये अंदर का गुदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको छील लिया है, तो इसके हम बड़े बड़े ऐसे टुकड़े करेंगे। तो इसको भी हमने काट लिया, अब सब्जी हमारी कट गई, तो हम चलते हैं अब इसको बॉयल करने के लिए। फूल गोभी को हम अच्छी तरह से धो के ले आए तीन पानी से, अब हम चल रहे हैं इसको बॉयल करने के लिए। तो इंडक्शन पे हमने रख दी है कढ़ाई, तो उसमें हम डाले दे रहे हैं 500 ग्राम पानी। तो पानी को हम बॉयल करेंगे पहले, तो इंडक्शन को हमने चालू कर दिया है। तो इसमें हम एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डाल दें, तो आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है, आधा से कुछ ज़्यादा हमने नमक डाला है, और हल्का सा हमें थोड़ा सा चार एक चम्मच छोटी खाने वाली जो हम लोग खाते हैं उस बस इतना चम्मच हमने तेल डाला है, जिसे चमची भी कहते हैं। तो हमने तेल डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से हिला दें। तो इसको हम अच्छी तरह पानी को हिला दें, तो ये पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसमें हम डालेंगे फूल गोभी, तो अभी पानी मेरा अभी गर्म ये नहीं हुआ है, तो इसको कम से कम एक मिनट के लिए बॉयल होने दें। तो देखिए पानी का खौल आने लगा है, तो इसमें हम फूल गोभी डाले दे रहे हैं, ये देखो। और एक बात आप लोगों को बता दें, आप कभी भी सब्जी बनाएं ठंडे पानी धो के कभी भी मसाले में सब्जी मत डालना। अगर नहीं आप उबालते हैं फूल गोभी को तो गर्म पानी से इसे ज़रूर धो लेना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जो सब्ज़ी की तरह होते हैं, वो हमको फूल गोभी में नहीं दिखाई देते हैं। तो आप एक तरह इस तरह इसको डालते रहें,
हमने सारी गोभी डाल दी है, तो फूल गोभी ने डाल दिया, उसको हिला डुला भी दिया है। तो इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के बॉयल करेंगे, और उसका जो नमक और हल्दी का कलर जो भी है चढ़ जाए, तो उसको हम ढक के दे रहे हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं आ गई हूँ गैस के पास, तो एक ले लिया हमने फ्राईदान, कि उसमें हमें थोड़े मसाले सूखे चटकाना है। तो फ्राईदान मेरा हो रहा है गर्म, तो हमने सूखे मसाले कुछ निकाले, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्राईदान को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, तो हमने एक भर के चम्मच खड़ी धनिया ली है, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, आधा चम्मच हमने सौंफ ली है, एक सूखी मिर्च ली है, 5-6 से ज़्यादा हमने काली मिर्च ली है, एक चुटकी हींग ली है, एक तेज पत्ता हमने टुकड़ों में लिया, और कसूरी मेथी ली है। तो उनको हम फ्राई करेंगे। तो चल रहे हैं गैस के पास, क्योंकि मेरा फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया। देखो उसमें हल्का सा धुआं निकलने लगा, तो इसको हम मसालों को डाले दे रहे हैं चटकने के लिए। तो एक बार हम इनको इस तरह से चला दें कि मेरे मसाले अच्छी तरह से चटक जाएं। ज़्यादा हमको नहीं चटकाना है, और हमें दूर की आंच से ही इसे हिलाना डुलाना है। तेज़ आंच में हम मसाले मेरे जल जाएंगे। तो इस तरह से हम मेरे मसाले भुन गए, अब हम उनको निकाले ले रहे हैं। ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है, सिर्फ खुशबू के लिए हमें चटकाना है, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं, आप गैस पर चलाइए। हमने मसाले अपने चटका लिए, दो इतनी बढ़िया खुशबू इसमें से आ रही है। तो इनको हम छोटे इमाम दस्ता में कूटे ले रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से कूटे ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो मिक्सर के जार में छोटे वाले में हल्का सा दौड़ सकते हैं, तो हम इसी से कर ले रहे हैं इमाम दस्ते से। इसे हम अच्छी तरह से कूट ले रहे हैं। तो ये हमारे सूखे मसाले हमने कूट लिए इमाम दस्ते में, अब इसको हम इसी प्लेट में पलटे ले रहे हैं। तो देखो कितना बढ़िया तरह से बुरबुरा ऐसा तो हमने कूट लिया है। तो इसको हम ले चले अपनी गैस के पास। मसाला कूटने के बाद में हमने ये सामान 5 मिनट पहले से ये काट के रख लिए थे। तो हमने एक लहसुन जवा आड़ी बोली है, जवा बोली हम जवा ज़्यादातर बोलते हैं, तो हमने ये काट के रख लिए थे। आधा टुकड़ा अदरक का काट लिया था, 2 टमाटर हमने काट लिए थे बड़े साइज में, 1 आड़ी हमने प्याज काट ली थी, 4 मिर्ची हमने टुकड़ों में ले लिए, और थोड़ा सा हमने धनिया काट के रख लिया ऊपर से डालने के लिए। तो चल रहे हैं हम आ गए हैं इंडक्शन के पास। तो ये देखिए मेरे फूल गोभी कितने बढ़िया तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो इनको एक थाली जाली वाली थाली में इसको हम पानी निकाल दें इसका, और इसको अच्छी तरह से हम सुखा लें। तो हमने थाली में पलट लिया है, और इसे ठंडा करने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अभी देखो बहुत गर्म है, इसे हाथ से छुआ भी नहीं जा रहा, ये देखो तो बहुत गर्म है। कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर, क्योंकि बत्ती चली गई तो इंडक्शन मेरा बंद हो गया, तो हमें कढ़ाई को रखना पड़ा गैस के ऊपर। तो इसमें हम डाल लें हल्का सा तेल, आधा चम्मच से बहुत कम, क्योंकि मुझे आलू फ्राई करेंगे जब तक हमारे फूल गोभी ठंडे हो जाएंगे। तो तेल मेरा हो गया है गर्म, तो इसमें डाले दे रहे हैं हम आलू। अब डाले दे रहे हैं आलू, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा गर्म हो गया, तो धीमे आँच में इसको हमें फ्राई करना है, और धीमे धीमे हाथों से तेज हाथ नहीं चलाना है, क्योंकि आलू तो मेरे पहले से उबले रखे थे, आप कच्चे आलू ले सकते हैं। तो इनको हम आस्ते आस्ते से धीमी आँच में फ्राई कर लें। तो आलू हो गए मेरे फ्राई, तो अब इनको एक प्लेट में पलटे ले रहे हैं, फिर गोभी मेरी ठंडी। तो फिर आधा चम्मच हम तेल डाल रहे हैं गोभी को फ्राई करने के लिए। तो मेरी तेल देखिए गर्म हो रहा है, तो तेल हो गया है गर्म, तो इसमें हम डाले दे रहे गोभी, उसको धीमी आँच, इसको भी हमें आस्ते आस्ते से चलाना है, गोभी को धीरे धीरे इशारे से उसे हल्का हल्का हमें चलाना है, कि गोभी हमारी फूटे ना, मुझे पनीर की गोभी चाहिए। तो ये देखो इसका हल्का सा पानी भी चल रहा है, इसी तरह से हमको चलाना है।
कम से कम उसको 5 मिनट के लिए हम धीमी आँच में इसको इसी तरह से उसका पानी छोटेंगे और चलाएंगे। और गोभी को बिल्कुल फूटना नहीं देना है, ये देखो बिल्कुल समय से ऐसे रखना है क्योंकि दिखने में बहुत फिर अच्छी लगेगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो गोभी को अब हम एक प्लेट में पलटे ले रहे हैं। तो चल रहे हैं पहले प्लेट में निकालने से। गोभी को हमने प्लेट में करके रख दिया है, तो उसी कढ़ाई में फिर हम तेल डालेंगे। तो एक चम्मच से कुछ कम हम डालेंगे तेल, क्योंकि हर चीज़ में हमने तेल फ्राई की है, आलू गोभी, तो मुझे तेल यहाँ पर कम लेना है। तेल को होने दें गरम, तेल हो गया गरम, तो इसमें डाल लें हम कड़ी पत्ता 4-5 टुकड़े करेंगे, आधा चम्मच जीरा, थोड़े दाने मेथी के लिए हमने राई के दाने लिए, आधा चम्मच, एक सूखी मिर्च लिए, ठीक है। तो इनको हम अच्छी तरह से चटका लें, एक बार ऐसे चला लें, तो ये अच्छी तरह से मसाले मेरे चटक गए। तो इसमें हम डाले दे रहे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से तेल में चटका लें, इसे मसाले के साथ में ये देखो धनिया लगा, तो अदरक लहसुन मेरा अच्छी तरह से ये भून गया। तो इसमें डाले दे रहे हैं हम गोभी में कटे हुए प्याज टमाटर ये काटे तो वो डाल दें, तो हम चीज़ों को पहले डाल दें, पहले कटा हुआ लहसुन डाल लें, फिर हम अदरक डाल लें, फिर टमाटर डाल लें, इधर साइड में जिधर तेज कढ़ाई हो गई है ये देखें प्याज को हमने फ्राई नहीं किया था, मैं इसे कच्ची डाल रही हूँ। मिक्सर ये लें, तो सारी चीज़ें को हम डाल के इस तरह से इसे चला लें, कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे, इसमें एक चम्मच हम पीसा हुआ नमक डालेंगे कि जो प्याज और टमाटर मेरे अच्छी तरह से गल जाए। तो भर के एक चम्मच हम नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार कम पड़ेगा तो हम सब्जी के साथ में डालेंगे। तो मैंने पहले एक चम्मच भर के डाल दिया, कम नहीं पड़ेगा। इसको हम पहले ढाँक दें 5 मिनट के लिए, जो प्याज और टमाटर हमारे गल जाएँ अच्छी तरह से। तो खोल कर चेक कर लें टमाटर प्याज हमारे गल गए हैं कि नहीं गल गए। तो देखिए माशाल्लाह से टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल गए, जो कसर रह गई वो हम मसालों के बाद इनको कस लेंगे। तो इसमें सूखे मसाले पहले डाल लें फिर कसें। तो आधा चम्मच हमने हल्दी लिया है, एक भर कर धनिया चम्मच, आधा चम्मच मिर्चा लिए पिसी हुई, तो इनको इस तरह से हम चला दें मसाले में। अब इनको और पकने देंगे तो टमाटर हमारे और अच्छी तरह से ये निकल जाएंगे। फिर इसमें हल्का लगा देंगे पानी, तो थोड़ा सा हम डाले दे रहे हैं इसमें पानी, हमारा ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए, जो टमाटर और कसर है गलने में वो भी गल जाएंगे। तो कम से कम 2 मिनट तक हम मसाले को भूने में, क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट के लिए इसको मसाले को भूनने के लिए सारे मसाले और टमाटर प्याज सब गल गए और मसाला भी भून गया अच्छी तरह से। तो इसलिए हमने जो मसाले कूट के रखे थे वो भी हम डाले दे रही है देखो, और इसको अच्छी तरह से हम मसाले में मिलाए दे रहे हैं। तो देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम डाले दे रहे हैं आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो इसको अच्छी तरह से हम चला लें, तो आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब डाल लें इसमें हम फूल जो हमने फ्राई किए थे फूल गोभी, तो इनको भी अब डाल लें और इसको भी मिला ले रहे हैं। और बीच बीच में मेरी बोल रही हैं अम्मा
और भैया सब लोग घर ही में हैं तो उसकी भी आवाज़ आ रही साथ में, तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लें। और इसको छिड़के दे रहे हैं कटा हुआ धनिया। तो देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है फूल आलू की सब्ज़ी, सूखी आलू। चाहे सफ़र में ले जाइए, चाहे पूरी और नाश्ते के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट में सर्व करके रख दी है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही माशाल्लाह से। सूखी सब्ज़ी है, इसमें बूंद भर पानी नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी कम से कम अगर फ्रिज में रखोगे तो 3-4 दिन चल जाएगी, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। और ये पूड़ी के साथ पराठों के साथ बहुत अच्छी लगेगी और रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी, और उसके साथ में अगर अरहर दाल पका लेगी तो उसका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने नए स्टाइल की नई सब्ज़ी बनाई, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चे बूढ़े सब पसंद करेंगे। जो कोई फूल गोभी नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा। तो मैं चल रही हूँ अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। तो आज की सब्ज़ी बनाई थी मैंने फूल गोभी और सूखी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन बनती है, लाजवाब बनती है, इसकी तारीफ़ क्या करें। और आप लोग अगर सफ़र में जाएं तब भी बना के ले जा सकते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए तो पूड़ियों के साथ ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी लगती है। और आज मेरे घर में शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।